हाय फ्रेंड्स, नमस्ते गेम जोन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ बहुत ही मैजिकल वाली एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं एक हेयर मास्क शेयर करूँगी जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपके बालों के लिए एक मैजिकल वर्क करेगा। सो गाइज, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है, आपके बालों से शाइन चली गई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो चुके हैं, आपके बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये वाला मास्क आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो दोस्तों, ये 100% नेचुरल है और इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना कि एक ही यूज़ में इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको इसे 3-4 बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। सो गाइस, फर्स्ट यूज़ में आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा, लेकिन आपके जो हेयर है वो आपको पहले से ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगेंगे। लेकिन अगर हेयर ग्रोथ की बात करें ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हेयर ग्रोथ आपका 100% होगा ही होगा। तो गाइस, ये वीडियो आप पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो देख के आप लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वो मैजिकल रेमेडी का नाम है हिबिस्कस पाउडर, और इसे गुजराती में जासूद का फूल का पाउडर भी कहते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग ब्रांड के पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें पैराबिन्स नहीं है, ये वीगन है और ये एनिमल टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये मुझे बहुत ही पसंद आया, और साथ में ये हलाल भी है और 100% नेचुरल है। आपकी चॉइस है, आप कोई भी खरीद सकते हैं। मैं अमेजोन से ये ख़रीदा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी अगर आपको खरीदना है तो। सो गाइज, यहाँ पे मैं 150 ग्राम्स जितना पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी हेयर लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और हेयर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। आपके हेयर लेंथ के हिसाब से ये पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड, यानी कि दही। 3 चम्मच कर्ड ऐड करूँगी, और आप चाहे तो आप कर्ड की जगह पे बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल यूज़ करूँगी। अगर आपको स्कैल्प में इचिंग या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आपको 9 से 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डालने हैं। उसके बाद मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ले लूँगी, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, अदरवाइज ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड वाटर, तो आपको हल्का सा गर्म पानी इसमें ऐड करना है। सो गाइज, हम जो बालों में मेहंदी अप्लाई करते हैं उसी तरह की हमें पेस्ट बनानी है। तो गाइज, आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने में आप अच्छा खासा टाइम ले लीजिए। तो मिक्स हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपको हेयर वॉश करना है। आपको ऑयली बालों में इसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, और आप टेंगल्स को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हेयर वॉश करते टाइम आपके बाल ज़्यादा उलझ ना जाए, इसलिए आपको टेंगल्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले आप एक पुरानी टी शर्ट पहन लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। और याद रखें कि आप बाथरूम में ही अप्लाई करें। अगर आप रूम में अप्लाई करोगे ना, तो मॉम की डांट तो ज़रूर खानी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, आपको आपके पूरे हेयर कवर करना है। अगर आपके बाल मेरी तरह थिक है और लॉन्ग है, तो आपको इस तरह से पार्ट करके अप्लाई करना है। आपको इसे स्कैल्प से लेके लेंथ तक अप्लाई करना है, ये याद रखें। सो गाइस, मैंने इसे मैजिकल रेमेडी इसलिए कहा है क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, और गाइस साथ में ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, इसलिए आपका हेयर ग्रोथ भी होगा और आपके बालों में एक नेचुरल शाइन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये रेमेडी टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई है, ऑयली है, तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ऑयली बालों में अप्लाई नहीं करना है, इसे अप्लाई करने से पहले आपको हेयर वॉश करना है, बालों को ड्राई करना है, उसके बाद इसे आपको अप्लाई करना है। आपको इसे 3 महीने तक कंटिन्यूस यूज करना है, और आप इसे वीक में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये आपको खरीदना है तो मैंने लिंक मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ गाइस, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही ब्रांड यूज करनी है। और दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारी होम रेमेडी शेयर की है, हेयर ग्रोथ की या डैमेज हेयर की, तो आप को जो भी पसंद आया आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जितनी इफ़ेक्टिव लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसके बाद मुझे और भी इफ़ेक्टिव कोई लगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज, इसे पूरे बालों में अप्लाई कर देने के बाद आपको इस तरह से बर्न बना लेना है। इसे आपको 1 घंटे तक रखना है। दोस्तों, ये पेस्ट अप्लाई करने के बाद मेरा जो सिर है वो इतना भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी गिरने वाला है। तो दोस्तों देख लीजिए, मेरी रूम की हालत इतनी ख़राब हो गई है। अगर आपको मॉम की डांट नहीं खानी है तो आप
बाथरूम में ही इसे अप्लाई करें, वरना आपको डांट भी खानी पड़ेगी, साथ में रूम भी साफ करना पड़ेगा, तो डबल डबल काम हो जाएगा। तो आप ये बात का ध्यान रखें। तो गाइज़ यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हमारी जो पेस्ट है वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी। ड्राई हो जाने के बाद आपको ठंडे पानी की हेल्प से इस तरह से बालों को वॉश करना है। अच्छी तरह से पेस्ट को निकाल दीजिए। आपको जब लगे कि ये पेस्ट अच्छी तरह से निकल चुकी है, उसके बाद आप शैम्पू अप्लाई करें। शैम्पू अप्लाई करने के बाद कंडीशनर अप्लाई करना भी ज़रूरी है, तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। सो गाइज़ मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे जो हेयर है वो थोड़े गीले है, अभी 70% जितने ही ड्राई हुए हैं। तो गाइज़ मेरे जो बाल है वो मुझे पहले से ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी लग रहे हैं और बहुत ही लाइट वेट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज़ ये मैंने सेकेंड टाइम यूज़ किया है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, तो आपके बालों में आपको 30% जितना डिफरेंट लगेगा। उसके बाद आप सेकेंड टाइम करोगे ना, तो 50% जितना डिफरेंट लगेगा। ऐसे आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे ना, वैसे आपके बालों में आपको डिफरेंट लगता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके बाल भी पहले से ज़्यादा आपको थोड़े थिक लगने लगेंगे। आपको वीक में एक बार तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हाँ गाइज, आप ये पाउडर के बेनिफिट्स भी गूगल करके देख सकते हैं। ये बालों के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है और बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन हम अभी हेयर और स्किन तक ही रखेंगे। तो आप इसे स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और हाँ, मैं आपको मेरे जो शैम्पू और कंडीशनर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछने वाले हैं कि आपने कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया है। सो गाइज़ शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए मैंने ये यूज़ किया है, ये है मोरक्कन ऑयल स्मूथनिंग शैम्पू एंड ये उसका कंडीशनर है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज़ आपको जो पसंद है वो शैम्पू कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, सीरम अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सीरम के लिए मैंने ये वेला का सीरम यूज़ किया है। और अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये नायका पे भी अवेलेबल है और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी थर्ड बॉटल है, क्योंकि मैं जब भी शैम्पू एंड कंडीशनर करती हूँ तो मैं सीरम अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, मुझे इसके बिना बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आप सीरम अप्लाई करोगे ना, तो आपके बालों से टेंगल्स भी बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे, तो ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो गाइज़, मेरे जो हेयर है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं और मैंने टेंगल्स भी रिमूव कर लिया है। तो गीले बालों में कभी भी टेंगल्स रिमूव नहीं करना चाहिए, आपको पता ही है, क्योंकि हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें। और गाइज़, जब भी आप ये वाला मास्क ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आपके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा देखना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे से वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।